नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। मैरिज हॉल में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। आपत्तिजनक हालत में बिल्कुल नग्न अवस्था में लड़का और लड़की गिरफ्तार हुए हैं। लाख कोशिशों के बाद भी बिहार में सेक्स रैकेट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हो रहा है। इसी बीच अब दोस्तों बक्सर में एक हाई प्रोफाइल देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। यहां एक मैरिज हॉल के अंदर काला खेल चल रहा था। पुलिस ने दबिश देकर एक महिला और पुरुष को आपत्तिजनक हालत में बिना कपड़ों के दोस्तों बिल्कुल नग्न अवस्था में पकड़ा है। मौके से दोस्तों कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि बक्सर के सिमरी थाना से महज 1 किलोमीटर दूर स्थित एक निजी मैरिज हॉल में गलत काम हो रहा है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करके सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ दिया है। छापेमारी में एक कपल को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। छापेमारी के बाद वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई थी। खास बात यह है कि पिछले कई वर्षों से चल रहे इस गोरख धंधे की स्थानीय पुलिस को कानों कान दोस्तों खबर तक नहीं थी। और अब दोस्तों पुलिस ने दबिश देकर सभी को पकड़ लिया है, जिसमें दोस्तों मैरिज हॉल का संचालक भी शामिल है। कल उत्तर प्रदेश के अंदर भी 12 लड़के और लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। उधर हरियाणा के अंदर भी दोस्तों फिर से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ा है। जगह जगह पुलिस दबिश दे रही है। और अब दोस्तों बिहार से बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। आप अपनी राय कमेंट में